वो अकेला ही पड़ेगा सब पर भारी, ना विराट, ना रोहित, ना स्काई। सुपर एट में बदलेगी टीम इंडिया। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के सुपर एट राउंड में टीम इंडिया के मैचों का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वर्ल्ड कप में कैरिबियन कंडीशंस में पहली बार खेलने जा रही टीम इंडिया का चेहरा कैसा होगा। क्या एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा अपने विनिंग टीम के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेंगे या बदली कंडीशंस के साथ अपने प्लेइंग 11 में भी रोहित इस बार बदलाव करेंगे। यूं तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल आजकल यही है कि क्या विराट कोहली को रोहित के साथ पारी का आगे भी आगाज करने का मौका मिलेगा, जिसे लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी अलग अलग राय भी दी है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि सुपर एट राउंड में टीम इंडिया के उतरने से पहले अब कप्तान रोहित शर्मा को टीम की बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर अहम सलाह मिली है। यहां पर रोहित शर्मा को एक ऐसे खिलाड़ी की सिफारिश की गई है जो कि वर्ल्ड कप में अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को मैच जिताने का मादा रखता है और जिस पर अब तक रोहित शर्मा भरोसा नहीं जता पाए हैं। आपको बता दें कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हैं टीम इंडिया के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव। दरअसल न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग का मानना है कि सुपर एट मैचों के दौरान वेस्टइंडीज की पिचों पर स्पिनरों को काफी मदद मिलेगी, जहां कुलदीप यादव भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में फ्लेमिंग ने कहा है, अगर वहां स्पिनरों को मदद मिलती है तो बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव भारत के लिए अहम साबित हो सकते हैं। वह इस तरह की विकेट्स पर विकेट लेने में एक्सपर्ट हैं। आप खेलने के एक तरीके पर इतना अधिक अड़े नहीं रह सकते हैं कि आप परिस्थितियों का फायदा उठाने के अवसरों को ही खो दें। मुझे लगता है कि अगर विकेट से टर्न मिलता है तो रोहित के लिए शायद कुलदीप विकेट लेने की अतिरिक्त क्षमता प्रदान कर सकते हैं। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में अब तक रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में युजवेंद्र चहल को भी मौका नहीं दिया है और युजवेंद्र चहल के आंकड़े भी T20 क्रिकेट में किसी भी स्तर पर कुलदीप यादव से कमजोर नहीं कहे जा सकते। लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि रोहित प्लेइंग 11 में जडेजा और अक्षर की मौजूदगी में चार स्पिनर्स के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कुलदीप यादव को अगर मौका दिया जाता है तो युजवेंद्र चहल को बाहर ही बैठना पड़ेगा। वैसे यहां टीम इंडिया के विनिंग कॉम्बिनेशन में से शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर या फिर अर्शदीप और मोहम्मद सिराज में से किसी एक तेज गेंदबाज का बाहर बैठना तय दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि कुलदीप यादव को भी कैरिबियन कंडीशंस की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर गेंदबाजी करने का अनुभव हासिल है। वेस्टइंडीज की पिचों पर खेले अपने 3 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव 5 विकेट ले चुके हैं, जिसमें उनका इकोनॉमी 6.83 का है और उनका बेस्ट प्रदर्शन 28 रन खर्च कर 3 विकेट का है। वैसे अपने T20 इंटरनेशनल करियर में कुलदीप यादव 35 मुकाबलों में 59 विकेट चटका चुके हैं, जिसमें 17 रन खर्च कर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है, तो उनका करियर बॉलिंग इकोनॉमी भी 6.74 का है। टीम इंडिया को सुपर एट राउंड में अपने तीनों मुकाबले बाबडॉस, एंटीगुआ और सेंट लूसिया में खेलने हैं, जहां की पिचों पर स्पिनरों को मदद मिलनी तय है। ऐसे में रोहित को टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव करना ही होगा। यहां मुमकिन है कि एक बार फिर टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ वेस्टइंडीज में भी विराट कोहली ही करते नजर आए। लेकिन रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में लाने के लिए